तो बात कर लीजिए भैया, रियलमी की तरफ से चाइनीज मार्केट में रियलमी जीटी न्यू 5 ऐसे लॉन्च कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशंस, इंडिया में कब लॉन्च होगा, कौन सी प्राइस पॉइंट के साथ में लॉन्च होगा, सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। बात कीजिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यहाँ पे हमें 6.74 इंच की एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में, मतलब 1080p से ज़्यादा और 2K से कम, मतलब 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें 144Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एक एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें HDR10 का सपोर्ट, वाइड बैंड L1 सर्टिफाइड देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें बीच में एक पंच होल कैमरा कटआउट सेटअप देखने को मिल जाता है। मतलब भाई लिटरली डिस्प्ले एकदम कमाल और शानदार है। बात की जाएगी प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। हाँ भाई भाई प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तगड़ा है। यहाँ पे हमें UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 की रैम टाइप देखने को मिलता है। और भाई देखिए ये 7th जनरेशन की सीरीज में आ रहा है, तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, बल्कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8+ Gen वाली सीरीज है भाई, उससे भी कभी कभी मुकाबले में ये आगे चला जाता है। तो भाई एकदम तगड़ा बेहतरीन प्रोसेसर है। अगर आपको कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म करना हुआ, गेमिंग करना हुआ, मल्टीटास्किंग करना हुआ, आप भाई ये प्रोसेसर के साथ में आराम से सारे अपने काम निपटा सकते हो। आगे बात की जाए कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे हमें 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें फ्रंट में 60 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और भाई यहाँ पे भी पीछे हमें चमकती धमकती लाइटें देखने को मिल जाती है कैमरा के बगल में ही, तो ओवरऑल देखने में डिजाइन भी अच्छा लगता है। बात की जाए बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे हमें 5500 mAh की बैटरी, और जो फोन है ये 100W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, और जो चार्जर है वो हमें बॉक्स में ही देखने को मिलने वाला है। मतलब 100W का मिल रहा है, तो आराम से आप इसे लगभग 45 से 50 मिनट में समझ सकते हो ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर बात की जाए UI के बारे में, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 Realme UI 4.0 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। बात की सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB Type-C का पोर्ट, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 mm वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और जो लगभग छोटा मोटा सेंसर्स होते हैं सारे के सारे सेंसर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो भाई अच्छा बिल्ड क्वालिटी डिजाइन बहुत ही शानदार है। ग्लास बैक यूज़ किया गया है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, चमकती धमकती लाइटें भी हमें हल्की हल्की देखने को मिल जाती है, तो और एक अच्छा पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। भाई ये प्राइसिंग के बारे में, तो देखिए इसका जो बेस वेरियंट है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में लॉन्च हुआ है। और अगर चाइनीज जैसे बात की चाइनीज प्राइस में, तो 1999 युआन, अगर इसमें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते तो लगभग 24,000 रुपया हमें देखने को मिल जाता है। अब बात कीजिए इंडिया में कब लॉन्च होगा और कौन सी प्राइसिंग के साथ में लॉन्च होगा, तो देखिए अभी ये चाइना में लॉन्च हुआ है, तो लगभग 1 से 1.5 महीना हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। लगभग आप समझ सकते हो कि अप्रैल का महीना चालू हो गया ना, तो मई और जून के महीने में हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। 100% कन्फर्म है, क्योंकि जो फोन है ये पोको F5 से टक्कर लेने के लिए आएगा, कि भाई पोको वाले तो अपना F5 निकाल देंगे, तो रियलमी वाले के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो ये फोन इसी के टक्कर में निकला जाएगा। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, मिनिमम से मिनिमम हमें इंडिया में 30,000 की प्राइस में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन है उसे भी दबाएं, चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।